भारत एक आस्था का केंद्र है। भारत के लोगों की अपने भगवान के प्रति इतनी आस्था है जितनी शायद दुनिया के किसी धर्म के लोगों में अपने देवी देवताओं के प्रति ना हो। ऐसा ही एक किस्सा जयपुर के गोपीनाथ मंदिर में आजादी के पहले हुआ था। ऐसा लोगों का मानना था कि मंदिर में विराजमान गोपीनाथ जी की मूर्ति के अंदर प्राण बसते हैं, उनकी नब्ज आज भी चलती है। जब यह बात आसपास के लोगों में फैली तो हर तरफ यही चर्चा का विषय बन गया। लेकिन उस अंग्रेजी हुकूमत के दौर में जब यह बात अंग्रेजों को पता चली तो अंग्रेज बहुत ही हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मूर्ति के अंदर नब्ज चल रही हो। उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोशिश की। जब वह मंदिर पहुंचे और उस अंग्रेज ने गोपीनाथ जी के दर्शन किए तो वह गोपीनाथ जी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसका सिर आस्था से खुद ब खुद झुक गया, लेकिन उसका शैतानी दिमाग फिर भी जांच पड़ताल पर लगा रहा। उसने अपने हाथ से नब्ज यानी पल्स से चलने वाली घड़ी निकाली और गोपीनाथ जी की कलाई पर बांध दी। पहले जमाने में घड़ी या तो पल्स यानी अपने दिल की धड़कन से चलती थी या फिर चाबी घुमाने से। उस समय बैटरी से चलने वाली घड़ियों का दौर नहीं था। उस अंग्रेज ने जब घड़ी गोपीनाथ जी को पहनाई तो वह घड़ी खुद ब खुद चल पड़ी और सही समय भी बतलाने लगी, जिसे देख वह अंग्रेज बहुत ही हैरान हुआ कि आखिर ऐसे कैसे संभव है, और वह घड़ी गोपीनाथ जी के पास ही छोड़ गया। अगर आज भी आप जयपुर में बसे गोपीनाथ जी के मंदिर में जाएंगे तो वह घड़ी आज भी गोपीनाथ जी की कलाई पर ही बंधी पाओगे। और तो और वह घड़ी आज भी वैसे ही चल रही है जैसे उस समय आजादी के पहले के दौर में चला करती थी। जब श्रृंगार के समय घड़ी उतरती है तो वह खुद ब खुद बंद हो जाती है और बाद में दोबारा कलाई पर बांधे जाने के बाद दोबारा से चलने लगती है। जयपुर स्थित गोपीनाथ जी का मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है, उसका बेहद रहस्यमय इतिहास है। कहा जाता है कि गोपीनाथ जी को वृंदावन से मुगलों के आक्रमण से बचाकर एक भक्त ने जयपुर में लाया था। अगर इतिहास में देखें तो भगवान श्री कृष्ण के तीन विग्रह हैं और यह तीनों विग्रह ही राजस्थान में है। दो विग्रह तो जयपुर में है और तीसरा विग्रह करौली में श्री मदन मोहन जी के नाम से विख्यात है। जयपुर में श्री गोविंद देव जी के अलावा श्री गोपीनाथ जी का विग्रह है। यह विग्रह भी उतना ही पूजनीय और श्रद्धावान है जितना गोविंद देव जी का और मदन मोहन जी का विग्रह है। तीनों ही विग्रह भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माने जाते हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाथ ने यह तीनों विग्रह बनवाए थे। अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित ने ब्रजनाथ को मथुरा मंडल का राजा बनाया था। ब्रजनाथ की अपने पितामह श्री कृष्ण के प्रति खासी श्रद्धा थी और उसने मथुरा मंडल में श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का न केवल उद्धार किया बल्कि उनका साक्षात विग्रह बनाने का भी निश्चय किया। ब्रजनाथ की दादी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा था। दादी के बताए अनुसार ब्रजनाथ ने श्रेष्ठ कारीगरों से विग्रह तैयार करवाया। इस विग्रह को देखकर ब्रजनाथ की दादी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पांव और चरण तो ऐसे ही दिखते हैं, पर अन्य बनावट भगवान श्री कृष्ण से नहीं मिलती। ब्रजनाथ ने इस विग्रह को मदन मोहन जी का नाम दिया। यह विग्रह करौली में विराजित है। ब्रजनाथ ने दूसरा विग्रह बनाया जिसे देखकर दादी ने कहा कि इसके वक्ष स्थल और बाहु भगवान स्वरूप ही है, लेकिन शरीर के दूसरे अंग भगवान श्री कृष्ण से मेल नहीं खाते। इस विग्रह को ब्रजनाथ ने भगवान श्री गोपीनाथ जी का स्वरूप कहा। भगवान का यह स्वरूप पुरानी बस्ती में भव्य मंदिर में विराजित है। दादी के बताए हुलिये के अनुसार तीसरा विग्रह बनाया गया तो उसे देखकर ब्रजनाथ की दादी के नेत्रों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उसे देखकर दादी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक नयनाभिराम और अरविंद नैनो वाला सुंदर मुखार बिंद ठीक ऐसा ही था। भगवान का यह तीसरा विग्रह श्री गोविंद देव जी का स्वरूप कहलाया जो जयपुर के सिटी पैलेस के पीछे जय निवास उद्यान में है। भगवान के इस अलौकिक विग्रह को देखकर ब्रजनाथ भी आनंदित हो गए। फिर उन तीनों विग्रह को विधि विधान से भव्य मंदिर बनाकर विराजित किया गया। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप के विग्रह होने के कारण भक्तों में इनके प्रति खासी श्रद्धा और मान्यता भी है। मुगल शासक औरंगजेब के समय में हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करके उन्हें ध्वस्त करने के दौरान इस राधा गोपीनाथ विग्रह को सन 1699 में मधु पंडित की ओर से राधा कुंड होते हुए कामा लाया गया था, जहां पश्चिमी बंगाल में वर्धमान के शासक त्रिलोक चंद और उनकी रानी भानुमती द्वारा सन 1747 ईस्वी में यह विग्रह जयपुर लाया गया, जहां मंदिर बनाकर इन्हें स्थापित किया गया। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के तीनों विग्रह भगवान गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और करौली के श्री मदन मोहन जी के दर्शन जो भी एक दिन में करता है उसे बड़ा ही पुण्य मिलता है। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ हैं तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।